अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आज हम बनाएंगे हैदराबादी मटन दम बिरयानी। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में और एकदम क्विक रेसिपी है, सिंपल तरीके से बनती है। इसके लिए हमें लगेगा हाफ के जी मटन, आप विद बोन ले सकते हैं, मैंने बोनलेस ली हूँ। और हमें लगेगी 3 बड़ी साइज़ की प्याज, उसका पिस्ता बना के हमने लिए। 1 अखा बड़े साइज़ का लेमन है, उसका रस लिया हमने। 1 टेबल स्पून फुल भर के नमक लिए, 2 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून चिली पाउडर, 1 मुट्ठी हरा धनिया, 1 मुट्ठी पुदीना और 3 से 4 हमने इसमें हरी मिर्ची लिए है। और 3 टेबल स्पून हमने जो ये ऑयल लिए है, ब्रिस्ता बनाया हुआ ऑनियन फ्राई किया हुआ वो ऑयल लिए हमने। और ये दही है मेरे पास 250 ग्राम, आप इसमें से 150 ग्राम भी ले सकते हैं, मैं 250 ग्राम ले रही हूँ। और हम लेंगे बिरयानी मसाला, ये हमारा होममेड बिरयानी मसाला है, आपको इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये हम 1 टेबल स्पून भर के लेंगे, इससे बहुत ही अच्छी बिरयानी बनती है। अभी हम स्टार्ट करेंगे ये बनाना। सबसे पहले हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, नमक, लेमन रस, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। अब इसमें हम दही डालेंगे, साथ ही इसमें पुदीना, हरी मिर्ची, हरा धनिया ये भी शामिल करेंगे। और इसमें 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला होममेड। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स किए। अब इसमें हम ये ब्रिस्ता इसको डालेंगे हाथों से इस तरह चूर कर। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ जो ऑयल है उसको डालेंगे, आधा हमने डाले हैं, आधा हम राइस के ऊपर डालेंगे। अब इसको हम कवर करके रखेंगे 1 घंटे के लिए फ्रिज में। आप अगर चाहे तो इसको रात में ही मैरिनेट करके रख सकते हैं और फिर दिन में इसको बना सकते हैं, वो भी एक इजी तरीका है और इसमें बोटी में अच्छी तरह से मसाला भी लगता है। अभी हम चावल की तैयारी करेंगे। ये मैंने 1/2 kg राइस ली हूँ, इसको मैं अभी 1/2 आवर के लिए इसको वॉश करके 1/2 आवर के लिए भीगने रखूँगी। और ये मेरे पास शाहजीरा है, शाहजीरा और 1 तेज़पत्ता, ये सिनेमन स्टिक का इतना पीस है, और 3 इलायची लिए हमने छोटी वाली, ग्रीन कार्डमन लॉन्ग है 3 से 4, ब्लैक पेपर है, और नमक हम लेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। और हमें पानी लगेगा बॉईल करने के लिए, ये 1/2 kg है तो हमको 1.25 लीटर पानी लगेगा। अगर ये 2 गिलास अगर नापा जाए चावल तो आपको 5 गिलास पानी लेना है। अभी हम इसको भीगने रखेंगे 1/2 आवर के लिए, पानी गर्म करने के लिए रखे हैं। अब इसमें हम नमक को ऐड करेंगे और ये सारे मसाले जो है ड्राई, हमने शाहजीरा, तेज़पत्ता, ये सारा हम इसमें डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें पुदीना भी ऐड करेंगे और इसको अच्छा बॉईल आने देंगे, फिर इसके बाद हम इसमें चावल को ऐड करेंगे। अभी हमने ये बर्तन चढ़ा दिए जिसमें हमने गोश्त को मैरिनेट करके रखे थे, इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे। इसको हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे गोश्त को, हमने इसको बिल्कुल चम्मच नहीं चलाया, अभी हम इसको चला रहे हैं चम्मच, ये आप देख सकते हैं। इसका अच्छा खासा पानी गोश्त और दही का छूटा है। देखते हैं ये पानी में भी अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है। अब ये मसाला है इसको हम इस तरह से निकालेंगे और इसमें चावल को ऐड करेंगे। इसमें हमने चावल ऐड किए और इसको हम 70 से 80% तक पकाएंगे। हमने इसको कवर करके पकने के लिए रख दिए थे, हो चुका है और हमारे राइस भी पक चुके हैं 80%। अब इसके ऊपर हम इसको चावल को डालेंगे। हमने जो चावल बॉईल किए उसका जो पानी निकला है 1/2 कप हम इसमें डालेंगे, क्योंकि हम इसको दम पे रखेंगे तो ये जलना नहीं चाहिए,
इस वजह से। अब इस पे हम चावल की लेयर बिछाएंगे। इसको अच्छी तरह से हमने चावल को इस पे डाले। अब थोड़ा सा हम इसमें कलर ऐड करेंगे। और हमने जो ये ऑयल बचा के रखे थे थोड़ा सा, तो वो हम इसको इस तरह से इसमें डालेंगे। और ये मैंने जो बर्तन रखे हैं थोड़ा ये मोटा है, अगर आपका बर्तन पतला है तो आप नीचे तवा या तो फ्राई पैन रखकर इसको आप नहीं करना, नीचे से लगे नहीं। अब इसको हम पहले 5-10 मिनट के लिए हम इसको फुल इस पे रखेंगे, मीडियम इस पे, और फिर एकदम लो इस पे हम 15-20 मिनट के लिए रखेंगे। अब हम चेक करेंगे, 20 मिनट हो गए। हमने गैस ऑफ कर दी। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और ये बहुत अच्छी तरह से ये पक चुका है। अभी हम चेक करेंगे, ये इस तरह से है। बिरयानी हमारी नीचे लगी भी नहीं है और ये अच्छी तरह से पक चुकी है। अभी इसको हम 5 मिनट के लिए इसी तरह कवर करके रखेंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। 5 मिनट हो गए, अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। एक एक चावल इसका एकदम छोटा छोटा है, इस तरह से खिले खिले चावल है। ये हमने डिश आउट किए, बहुत ही अच्छी बनी है। और जो इसमें हमने मसाला होममेड ऐड किए है, बिरयानी मसाला, उसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है और झटपट होने वाली रेसिपी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो फर्स्ट टाइम तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।